तय थे कि लूट में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मगर मैं तुम्हें आम आदमी के विश्वास को लूटने नहीं दूंगा गोकुदास। तुम इन लोगों से कह रहे थे कि 26 जनवरी को मैं क्या कहने वाला हूं, क्या समझ रखा तुमने कि मैं एक कठपुतली हूं तुम्हारे हाथ में? तुम समझते हो तुमने मेरे जमीर, मेरे ईमान, मेरी आत्मा को खरीद के रख लिया? तुम समझते हो जो तुम झूठ चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए बोल दूंगा? नहीं गोकुदास, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 26 जनवरी को जो कहना है वो मैं उन लोगों को बताऊंगा। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि तुम गोकुलदास और ये दालचंद, ये त्रिवेदी और ये लालवानी, तुम्हारी साजिश क्या है, तुम्हारे इरादे क्या हैं? भेड़ की खाल में छुपने वाले भेड़ियों हो तुम लोग। इस देश के आम आदमी के बीच में छुरा भोंकने वालों, तुम किस मिट्टी के बने हो? वो मिट्टी हिंदुस्तान की तो नहीं हो सकती। नहीं, 26 जनवरी को मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ये बताया कि हम कौन हैं, तो हम ये बता देंगे कि तुम कौन हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे ये कह के डराने की कोशिश कर रहे हो? ये बात तुम्हें खुद उनसे कहने वाला हूं। आजाद, इतने ऊंचे ना उड़ो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया है, और एक ही इशारे पे आसमान से फिर वापस जमीन पर फेंक सकता हूं। हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो ठीक हो, ठीक ही होगा, लेकिन मेरा जो हो सो हो, मैं तुम्हें तुम्हारे गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। यही कहने आया था तुम्हें। अरे बाबा, ये तो आपकी सारी स्कीम ही फेल हो गई। नहीं, ये सब बात की बात है। पहले ये सोचो, ये आदमी कहीं 26 को सचमुच कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। नहीं त्रिवेदी जी, तब तक कोई शहर में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं होगा। पांडे जी, उसके हाथ का लिखा हुआ इकरारनामा, उसकी फोटोकॉपी एक पैम्फलेट के साथ। पैम्फलेट शर्मा तुम लिखोगे, उसमें आजाद के खिलाफ तुम लिखोगे। जी, डाकखाने के बाहर मुंशी बैठे होते हैं जो लोगों के खत लिखते हैं, जो कहिए लिख देते हैं। आपको एडिटर नहीं, वो मुंशी चाहिए। मैं आजाद के खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगा। गेट आउट! मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। जी बहुत मेहरबानी, नमस्ते। आउट! पांडे जी, किसी और को पकड़ो, पैम्फलेट लिखवाओ, और वो पैम्फलेट और उस इकरारनामे की फोटोकॉपी रातों रात पूरे शहर में बट जानी चाहिए। जी, मैं देखता हूं आजाद को। पढ़िए पढ़िए, आजाद का भांडा फोड़ चुका है, उसका असली रूप जनता के सामने आ गया है। पढ़िए पढ़िए भाइयों, पढ़िए, ये लीजिए, आप लीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए, पढ़िए, आजाद का भांडा फोड़ चुका है। आजाद साहब के बारे में ऐसी बात मैं नहीं मानता। अरे कुछ तो सच होगा चाचा। आजाद के अपने हाथ से लिखा हुआ उसके झूठ का इकरारनामा है ये, पढ़िए इसे जरा ध्यान से पढ़िए। अरे ये आदमी आजाद नहीं है, क्या कह रहे हो? हाँ भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था ये आजाद नहीं है। अरे लेकिन ये हो कैसे सकता है? आज कल सब कुछ हो सकता है यार। ये पैम्फलेट तो पढ़ो, जस्ट रीड दिस डैम थिंग यार। पैम्फलेट के साथ तो बिल्कुल सही है, मुझे तो ये सब कुछ सच लगता है। देखो यार, ये पैम्फलेट उसी पेपर का छपा हुआ जिसने आजाद का पहला लेटर छापा था, और उससे ज्यादा आजाद को कौन जान सकता भला? नहीं आजाद, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, तुम बाहर में जाना। मैं कह दूंगी तुम यहाँ नहीं हो। मुझे किसी से मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। नहीं आजाद, मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्हें भड़काया गया है, मगर मैं उन्हें पूरा सच बताऊंगा, और अगर उसके बाद भी वो मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ। क्या कर लेंगे वो मेरा जान से? मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे।
मगर मैं उनके सामने जाऊं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं निर्दोष हूं, बल्कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने उनको ये सब समझाया है वो सिर्फ मेरे नहीं उनके भी दुश्मन हैं। इस वक्त तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे आजाद। क्यों नहीं सुनेंगे? वो सुनेंगे। चुप क्यों हो गए तुम लोग? अगर मेरे खिलाफ नारे लगाने से तुम्हें कोई खुशी कोई शांति मिलती है, तुम्हारा कोई दुख कम होता है तो लगाओ मेरे साथ नारे, बोलो आजाद हाय हाय, आजाद हाय हाय, बोलते क्यों नहीं? एक बात याद रखना, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं बताता हूं तुम्हें पूरा सच, मैं बताता हूं तुम्हें कि मैं कौन हूं और क्यों हूं और वो कौन है और क्या है जिन्होंने ये छापा है। जो चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करूं, जो चाहते थे कि मैं यहां आकर तुम लोगों से कहूं कि आने वाले इलेक्शन में तुम सेट हो, ये पूछना चाहते हैं कि ये तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है या नहीं। अगर तुमने नहीं लिखा तो कहते क्यों नहीं? तुम आजाद नहीं है, ढोंगी हो, तुम्हें यहां भाड़ा बुला गया है। कहा बोल रहे हैं? ना बोलो साहेब, साहेब इन सबको माफी दे दो, माफी दे दो। इन सबन की खोपड़ियन में भेजा नहीं भूसा भरा है, मुदा हमका विश्वास है, हमका विश्वास है साहेब। चाहे कोनो कागज छापे किताब छापे, हम जानत है ये सब झूठ है। तुम ढोंगी नहीं, हम जानत है तुम्हें आजाद हो। बोल दो साहेब, साहेब बोल दो, बता दो इनका ये सब झूठ है। ये सच है नंबर, झूठ है, झूठ है। महाराज पकड़ी को अच्छा तो अब कहाँ है वो? सेठ जी लगता है सरकार भी गले में घंटी नहीं बांधना चाहती, पुलिस ने उसे नामली डिस्ट्रिक्ट स्टेशन पर छोड़ दिया है वार्निंग देकर कि फिर कभी राजनगर में दिखाई नहीं देना। हमारे मुख्यमंत्री भी समझदार आदमी हैं। मुझे राजनगर वापस जाना होगा मुन्ना, और कोई रास्ता नहीं। वो मुझे झूठा कहे मगर मैं आजाद को सच्चा साबित कर दूंगा, और आजाद को जिंदा रखने के लिए यही करना होगा मुझे, आजाद को जिंदा रखने के लिए।
कह रहे हो पांडे? क्या यह खबर सच्ची है? सेठ जी।